नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। देखिए, अभी फिलहाल जो नई नियमावली आई है सरकार के द्वारा, जो नीतीश कैबिनेट के द्वारा जो नई नियमावली पास की गई शिक्षकों के लिए, उसमें सारे जो शिक्षक हैं और कुछ ऐसे भी शिक्षक जो इसका काफ़ी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कारण जो है वो हम आपको हमेशा न्यूज़ पर बताते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ हमारे मित्र हैं जो आज भूख हड़ताल करते हुए गर्दनीबाग के सड़कों पर चिलचिलाती धूप में बैठ कर वो नई नियमावली के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है जो नई शिक्षक नियमावली जो लाई गई है, उसमें क्या आप लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और बिहार के तमाम स्टेट और नियोजित शिक्षक संघ को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे तो सरकार हम लोग के पास कोई शब्द नहीं छोड़ी है बोलने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे तमाम शिक्षकों की हत्या कर दी गई इस नियमावली को ला करके। जैसे चाहे वो स्टेट 19 अभ्यर्थी हो, चाहे सीटेट अभ्यर्थी हो, या नियोजित शिक्षक जो जॉब कर रहे हैं, सब ये काला कानून लाई है, काला फरमान लाई है। बताइए, अब जो 57 बरस के शिक्षक को जो ऑलरेडी एक दो साल रिटायर का बच गया, ऊपर इच्छा देंगे भला? और जो स्टेट 19 पाँच साल से इंतज़ार कर रहे हैं, चार साल से, वो भला परीक्षा देंगे? जो बीपीएससी से भी हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करके के सिन्हा को जजमेंट है, के सिन्हा एक वकील और जज के पास केस गया था, बोले थे कि साइंस में IIT लेवल से भी हार्ड और आर्ट्स में बीपीएससी से भी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, और चार साल हो गए, चार साल से सड़क पर हैं, एज एक्सपायर करने वाला है, परीक्षा से कोई नहीं डर रहा। लेकिन बताइए, सरकार इस तरह के रवैया अपनाना सही है? 2023 जो काला कानून नियमावली 2023 लाई है, ये कहीं से सही है? आप एक बात बताइए, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि अगर बीपीएससी में बैठ के अगर आप लोग परीक्षा दिया, वहाँ से अगर निकलिएगा, जो कंडक्ट कराने की बात कही गई है, वहाँ से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक रूप देखा जा सकता है? अरे अभी तो सर आपका आंसर हम दिए कि इससे भी हार्ड हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं। क्या गारंटी है कि तुरंत लेगी और तुरंत करवा ही देगी? 2023 से सेल में लेगी और 30 तक चला जाएगा, 2019 से लेके अभी तक, 2019 से लेके अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम लोग की इतना परीक्षा बार बार, जो शिक्षक भी इतना पढ़े हुए हैं, नेताओं के लिए एक परीक्षा PET नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिनको नियमावली पता नहीं चलता है, एरियर कहते हैं शिक्षकों का, तब एरियर सुनाई देता है, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए? पहले उन लोग के लिए पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं हमेशा दावा करते हैं, और इस बार उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में पहले कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, और उसके बाद आप लोग कुछ दिन पहले भी, मतलब कुछ महीने का 4-5 महीने पहले उठाइएगा, तो आप लोग इसी पटना के गर्दनीबाग सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो लोग थे सरकार में, विपक्ष में थे जब, तो हमेशा आप लोगों का आके सुनते थे, आप लोगों को आश्वासन देते थे, लेकिन आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, लॉलीपॉप आज से नहीं, शुरू से ही वो लॉलीपॉप थमाने का काम कर रहे हैं। कई बार जेल गए हमारे साथी अनुभव तिवारी जी भी हैं, और हमारे तमाम साथी, हम भी कई बार हवालात में बंद हुए हैं, हैं? इसके बावजूद बताइए, लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि दीपावली में ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, दशहरा में दे रहे हैं, चार साल से लॉलीपॉप थमा रहे हैं। पहले ही कह देते कि ये काम हम करेंगे, अटेंडम काला कानून लाना, ये कहाँ का न्याय है बताइए? बहुत सारे हमारे स्टेट सीटेट भाई अभी सुसाइड करने की स्थिति में, पता है? इसलिए हमारा ये पहले नियोजित करवाए, नौकरी दे, इसके बाद जितना वो एग्ज़ाम लेना है, 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम 10 एग्ज़ाम देने के लिए तैयार। आप गए थे जेल, गए थे आप लोग, बता रहे हैं कि जेल गए थे, क्या पूरा प्रकरण था? नीतीश कुमार की सरकार ने, हम लोग पिछले 5 सितंबर 2022 को हम अपने शिक्षा मंत्री जी से बात करने के इरादे से गए हुए थे, और इनके पुलिस प्रशासन ने हमें अरेस्ट किया, और वहाँ से अरेस्ट करके हमें डिटेन करते हुए मंडल कारा फुलवारी शरीफ ले जाया गया हम लोग को। वहाँ हम लोग 38 दिन रहे, 38 दिन के बाद अभी भी हम लोग जमानत पे है, कोर्ट में हम लोग को रेगुलर जो है तारीख पे जाना पड़ रहा है। तो नीतीश सरकार जी, ये तनाशाही रवैया छोड़िए, और आप जो है हम अभ्यर्थियों पे अत्याचार करना छोड़िए, सबसे पहला मांग को हमारे केस को आप वापस करिए, और दूसरा मांग ये है कि आप जो है 10 तारीख को, आप ये हम फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि 10 तारीख को ये नीतीश सरकार ने जो काला फरमान के रूप में तीर चलाया है शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर और तमाम बिहार के शिक्षकों के ऊपर जो नियोजित हैं, अभी हम सभी जो है लहूलुहान हो गए हैं, लहूलुहान होकर के आज जो है, आज 4 दिन से आप लोग भी देख रहे हो कि पटना के और तमाम जिलों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन चलने के पीछे कारण क्या है? ये नीतीश सरकार की ये जो काला फरमान जो है शिक्षा मंत्री ने चलाया, नीतीश कुमार ने चलाया, कि आप जो है आइए
आपने हमने जो है सीटेट पास किया, बीटेट पास किया, एस्टेट पास किया, बीए किया, बीएड किया, यानी 10 साल का हमारा समय ये सरकार ने बर्बाद किया। और जब हम आस में थे आज 5 साल गुजरने को है 2019 के बाद, अब 2024 आने वाला है, और हम आशा में थे कि आज नहीं तो कल हमारा नियोजन होगा, तब ये सरकार कहती है कि आइए एक आयोग का गठन करते हैं और उस आयोग के माध्यम से एक परीक्षा लेंगे तब आपको नियुक्त करेंगे। हम इसी परीक्षा का विरोध करने के लिए आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये सरकार इस नियमावली को, जो 2023 नियमावली लाई है, इस नियमावली को वापस नहीं लेती है, परीक्षा की बात को खारिज नहीं करती है। और सबसे पहले सरकार हम जो है तमाम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है उसको नियोजित करे, स्कूल में पहुँचाए, और उसके बाद जो भी प्रावधान होगा नियमित होने का हम फॉलो करेंगे सरकार की बात को, लेकिन सबसे पहले हमें जो है नियोजित करे, स्कूल में पहुँचाए, उसके बाद जो है कोई 8वां चरण 9वां चरण से आप परीक्षा की बात कहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमें नियोजन करिए। और यही हमारी सरकार से मांग है, और नहीं तो सरकार की इसी तरीके से हम जो है ईंट से ईंट बजाएंगे और पटना के सड़कों पे सड़क से सदन तक जो है सरकार को हम धूल चटा देंगे। ये सरकार अभी हमें धूल चटा रही है ना, आगे आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है अगर इस नियमावली को सरकार वापस नहीं लेती है तो। इतना भयंकर धूप है लेकिन आप लोग भूख हड़ताल भी सुने की करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से हम बिना खाए पिए इसी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। इसके पीछे जवाबदेही किसकी है? नीतीश सरकार की। जवाबदेही किसकी है? तेजस्वी जी की। ये लोग हम तमाम बिहार के युवाओं को इस कदर जो है प्रताड़ित कर दिए हैं कि ना तो हमें भूख है ना प्यास है, बस भूख और प्यास एक ही चीज़ की है कि ये सरकार कब हमें जो है स्कूल में पहुंचाती है, और कोई हमें भूख प्यास नहीं है। लेकिन ये सरकार लगातार हमारे साथ जो है छलावा कर रही है और अभी भी छलावा करने के फिराक में है, इसीलिए ये काला फरमान जारी किया गया है 2023 की नियमावली के रूप में। सरकार के पास एक ही उपाय है कि 2023 की ये नियमावली को सरकार वापस ले और हमारा 7वें चरण के तहत, यानी जैसे 6ठे चरण में हमारे तमाम जो है, हमारे ही विज्ञप्ति में शारीरिक शिक्षकों का भी आया था एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उनको जो है 6ठे चरण में नियोजित करा दिया गया और हम उन्हीं के विज्ञप्ति के एक अंश थे। हमें आज तक प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार की ऐसी दोहरी मानसिकता को हम नहीं चलने देंगे। कब तक ये हड़ताल आप लोग का देखने को? हड़ताल जब तब तक चलेगा जब तक सरकार इस जो नियमावली जारी की है 2023 नियमावली को सरकार जब तक वापस नहीं लेगी, परीक्षा की बात को जब तक ये सरकार खारिज नहीं करेगी, तब तक हम आंदोलन को जारी रहेंगे और इसी रखेंगे और इसी तरीके से नीतीश सरकार की ईंट से ईंट हम बजाते रहेंगे। तो अभी आपने सुना शिक्षक अभ्यर्थियों का जो इस धरना प्रदर्शन में धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और जो भूख हड़ताल को भी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि अब जब तक शिक्षक जो नया नियमावली आया है शिक्षकों के लिए, वो जब तक उसमें चेंजेस नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद से सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बता दें कि जो शिक्षक स्कूल में विद्यालयों में होने चाहिए थे वो शिक्षक कारावास में डाल दिए जाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है सीटेट बीटेट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।